नदियापुर गांव में बसंत नाम का एक नौजवान नाविक रहता था। नदियापुर गांव की सीमा में आने जाने के लिए लोगों को नाव का ही सहारा लेना पड़ता था। बसंत एक सीधा साधा नाविक था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बूढ़ी माँ थी। बसंत बेहद गरीब था। बसंत के ऊपर नदियापुर गांव के लगभग सभी लोगों का कर्जा चढ़ा हुआ था। आज बसंत अपनी नाव के पास पहुंचा ही था कि तभी गांव का सेठ धनी राम कुछ लोगों के साथ उसके पास आ धमका। बस बहुत हो गया, अब मामला बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है, समझ गया? पूरे 6 महीने हो गए मुझे बेवकूफ बनाते हुए तुझे, आज मैं अपने पैसे ले जाकर ही रहूंगा, समझा? मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दो सेठ जी, आप तो जानते ही हो कि इस वक्त धंधा कितना मंदा चल रहा है। अबे तेरा धंधा कोई मंदा नहीं चल रहा, सच तो ये है कि तू मेरे पैसे देना ही नहीं चाहता। नदियापुर गांव में आने के लिए और जाने के लिए नाव का ही सहारा लेना पड़ता है। ऊपर से ये इलाका टूरिस्ट इलाके में भी आता है, सैलानियों की कोई कमी नहीं है यहाँ पर, तेरा धंधा मंदा कैसे बढ़ सकता है बे? सेठ जी सारे गांव वाले जानते हैं कि मेरी किस्मत कितनी फूटी हुई है। मैं बड़ी मेहनत से पाई पाई इकट्ठा करता हूँ, लेकिन वो पैसे किसी न किसी वजह से मुझसे खर्च हो जाते हैं। बसंत पर सेठ धनी राम बसंत का मजाक उड़ाते हुए अपने लोगों को देख कर बोला, रे सुना तुम लोगों ने, ये बड़ी मेहनत से पाई पाई जोड़ कर रकम इकट्ठा करता है और इसे खुद नहीं पता कि इसके पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं, है बे? इतना कहकर धनी राम गुस्से से बसंत की ओर देख कर बोला, ये क्यों नहीं कहता कि तू एक नंबर का अय्याश है, सारे पैसे अय्याशी में खर्च कर देता है। बेवकूफ आदमी, तुझे कोई और नहीं मिला बेवकूफ बनाने के लिए, है बे? नहीं नहीं ऐसा मत कहिए सेठ जी, नदियापुर के सारे लोग जानते हैं कि मैं कितना शरीफ हूँ, मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरी बूढ़ी माँ रहती है। मैंने तुझसे ये नहीं पूछा कि तेरे घर में कौन कौन रहता है, समझ गया? अरे तेरे घर में तेरी बूढ़ी माँ रहे या तेरी पत्नी, मुझे इससे क्या, मुझे तो बस मेरे पैसे से मतलब है। और रहा सवाल तेरे शरीफ होने का, अरे तूने तो सारे गांव से कर्जा ले रखा है और जहां तक मुझे जानकारी है तूने किसी के पैसे नहीं चुकाए। मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए सेठ जी, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। ठीक है, लेकिन इस बार मैं तुझे 10 दिन से ज्यादा की मोहलत नहीं दे सकता। 10 दिन के अंदर अंदर अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना, तो मैं तेरा मकान तुझसे छीन कर तुझे धक्के देकर तेरे मकान से बाहर निकाल दूंगा, समझ में आ गई? इतना कहकर धनी राम वहाँ से चला गया और बसंत अपना मुंह लटकाते हुए अपने काम पर लग गया। शाम को थका हारा बसंत जैसे ही अपने घर पर पहुँचा, उसकी पत्नी बोली, आ गए सेठ जी घर पर, आपके पीछे बहुत सारे मेहमान आपको पूछते हुए आए थे, उन्होंने आपका काफी देर तक इंतजार किया और बेचारे इंतजार करके बहुत थक गए, अभी कुछ देर पहले ही गए हैं। झुमकी मैं जानता हूँ कि तुम किनकी बात कर रही हो। जब तुम सारी बातें जानती हो तो फिर उन सबके कर्जे क्यों नहीं चुका देते? तुम अच्छी तरह से जानती हो झुमकी, पिछले कुछ सालों से मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं जब भी कुछ पैसे जमा करता हूँ वो किसी न किसी तरह से खर्च हो जाते हैं। पिछली बार माँ का पैर टूट गया था, उसके इलाज में कितने पैसे खर्च हो गए, उसके बाद चोट लगने से तुम्हारी पसली फ्रैक्चर हो गई थी, उसके इलाज पर कितने पैसे खर्च हो गए। मैं तुम्हारी बातों को समझती हूँ, लेकिन गांव वाले इस बात को नहीं समझते, उन्हें तो बस अपने पैसों से मतलब है, और आखिरकार वो तुमसे कब तक पैसे नहीं मांगेंगे? गांव का मुखिया धमकी देकर गया है, अगर तुमने गांव वालों के पैसे नहीं दिए तो वो तुम्हारी नाव छीन लेगा। और सेठ धनीराम मुझे धमकी देकर गया है कि अगर 10 दिन के अंदर मैंने उसके पैसे नहीं दिए तो वो मुझसे मेरा मकान छीन लेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। मेरी समझ में नहीं आता, गांव में जितने भी नाविक हैं उन सबकी ऐश की चांदी कर रही है, उन सबके मकान देखे हैं तुमने, ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई नाव नहीं बल्कि कोई कंपनी चलाते हो। तुम सारा दिन नदी के किनारे क्या करते रहते हो? कितनी बार कह चुका हूँ झुमकी, टूरिस्ट मेरी नाव में नहीं आते। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी नाव में गांव के भूखे नंगे लोग ही आकर बैठते हैं, उनसे तुम्हें कितनी आमदनी होती होगी? तुम अपनी नाव में नदियापुर घूमने आए सैलानियों को क्यों नहीं बिठाते? जितने भी नाविक हैं वो झूठ बोलकर टूरिस्ट को अपनी नाव में बैठाकर सिर्फ उन्हें चूना लगाते हैं, और मुझे झूठ बोलना नहीं आता, नहीं चाहिए मुझे हराम की कमाई। अरे सच्चाई के देवता, ये धंधा है, ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें धंधा करना ही नहीं आता? जिसे तुम धंधा कह रही हो मैं उसे अच्छा नहीं समझता। मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है कि
कि मुझे तुम्हारे जैसा पति बेवकूफ पति मिला। अगर ऐसे ही हाल रहा ना तो वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन तुम्हारी नाव भी तुमसे छीन ली जाएगी। उसके बाद मुझे और मांझी को इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद अपने सच्चाई के प्रवचन बाहर बैठकर देते रहना। इतना कहकर झुमकी गुस्से से वहां से चली गई। ऐसे ही 10 दिन गुजर गए। 10वें दिन बसंत नदी के किनारे उदास बैठा हुआ गहरी सोच में डूबा हुआ था कि तभी वहां पर धनीराम फिर से आ पहुंचा। याद है ना बसंत, आज तेरा आखिरी दिन है। अब इससे ज्यादा मैं तुझे और मोहलत नहीं दे सकता भाई। शाम को मैं तेरे घर पर आऊंगा वसूली करने के लिए। मेरे पैसे तैयार रखना, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चुपचाप चले जाना। इतना कहकर धनीराम वहां से चला गया। बसंत अपने आप से बोला, अब क्या होगा, पूरे 10 दिन से मेरी नाव में मुश्किल से 20 मुसाफिर भी नहीं बैठे होंगे। मैं धनीराम के पैसे कहां से दूंगा? अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो मेरे परिवार को बेइज्जत करके घर से निकाल देगा। मैं कहां जाऊं, क्या करूं? बसंत हसरत भरी निगाहों से और नाविकों को देखने लगा जिनकी नाव पर टूरिस्ट सवार थे। तभी बसंत के कानों में एक बूढ़े व्यक्ति का स्वर टकराया। क्या तुम मुझे दूसरी दुनिया के छोर तक छोड़ सकते हो? बसंत उस बूढ़े की बात सुनकर हैरत में पड़ गया। लगता है आपका दिमाग खिसका हुआ है बाबा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, तुम मुझे इस नदी के दूसरे किनारे पर छोड़ देना। तो सीधे सीधे ये कहिए ना बाबा कि आपको दूसरी सीमा पर उतरना है। ठीक है बाबा, 200 लगेंगे। मैंने सुना है कि तुम बूढ़े और गरीब यात्रियों से पैसे नहीं लेते। सही सुना है बाबा, लेकिन क्या करूं, लगता है मुझे अपने नियम और कायदे अब बदलने पड़ेंगे। चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, अपने उसूल इंसान को कभी नहीं बदलने चाहिए। वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती। मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ बाबा, जाओ जाकर कोई दूसरी नाव पर बैठ जाओ। लेकिन मुझे तो सिर्फ तुम्हारी ही नाव पर बैठना है। पर मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। अगर तुम मुझे वहां तक छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा। मेरी पत्नी वहां पर इंतजार कर रही है। बूढ़े की बात सुनकर बसंत को बूढ़े के ऊपर तरस आ गया था। ठीक है बाबा, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा, आइए बैठिए। जहां आपको जाना है मैं आपको वहां छोड़ दूंगा, ठीक है? बसंत की बात सुनकर वह बूढ़ा रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए बसंत की नाव में बैठ गया। बसंत की नाव नदी के बीच में पहुंची ही थी कि तभी वो बूढ़ा बसंत से बोला, बस मुझे यहीं तक छोड़ दो। बाबा पागल हो गए हो क्या, यहाँ पर तो सिवाय पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। जो मुझे नजर आ रहा है वो तुम्हें नजर नहीं आएगा बेटा। तुम नाव यहीं रोक दो, मैं यहीं उतर जाऊंगा। बाबा तुम डूब जाओगे, पानी बहुत गहरा है। मगर बूढ़े ने बसंत की बात नहीं सुनी और नदी में कूद गया। यह देखकर बसंत बुरी तरीके से घबरा गया और बड़बड़ाता हुआ बोला, अरे कहां फंस गया मैं? अगर ये बूढ़ा मर गया तो इसकी मौत का इल्जाम भी मेरे ऊपर लगेगा। सभी लोगों ने इस बूढ़े को मेरी नाव में सवार होते हुए देखा है। अब क्या करूं, लगता है मुझे भी नदी में कूदना ही पड़ेगा। इतना कहकर बसंत ने नदी में छलांग लगा दी। मगर उसने जैसे ही नदी में छलांग लगाई उसने अपने आप को एक बेहद सुंदर जंगल के बीच बहुत छोटे से तालाब में खड़ा हुआ पाया। बसंत तुरंत उस तालाब से निकलकर उस जंगल की ओर देखने लगा। तभी उसके कानों में एक भारी आवाज टकराई। बेटा मेरी शाख थोड़ी सी झुक रही है, इसे थोड़ा सा सीधा कर दो, मुझे दर्द हो रहा है। बसंत ने देखा कि वो जिस पेड़ के नीचे खड़ा था बसंत से वही पेड़ बोला था। बसंत डर गया। डरो मत, अगर तुम मेरा ये काम करोगे तो मैं तुम्हें आगे का रास्ता बता दूंगा। बसंत ने डरते डरते उस पेड़ की शाख ऊंची कर दी। तभी अचानक बसंत के सामने एक बेहद सुंदर सोने की सड़क बन गई। घबराओ मत, तुमने मेरी मदद की है, इस वजह से ही तुम्हारे लिए ये सोने की सड़क मैंने बना दी है। तुम यहाँ से सीधे राजमहल तक पहुँच जाओगे। लेकिन ये कौन सी जगह भाई? कुछ देर बाद तुम्हें पता लग जाएगा। तुम जिस रास्ते से यहाँ पर आए हो वो रास्ता सिर्फ शाही लोगों के लिए खुलता है। तुम जरूर कोई खास हो। कुछ दूर चलकर बसंत की नजर एक पेड़ पर गई जहां पर लाल लाल सेब लटक रहे थे। अचानक एक सेब बसंत की ओर देखकर बोला,
देख क्या रहे हो? अगर तुम्हें भूख लगी है तो मुझे खा लो। अरे वाह, ये मैं कहाँ आ गया? वो बूढ़ा जरूर कोई मायावी व्यक्ति था। नहीं नहीं, मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर बोलने वाले फल नहीं होते। अगर वो बोलते तो हम बिल्कुल नहीं खाते। तुम वाकई बहुत दयालु लगते हो। तुम्हारा इस जादुई नगरी में स्वागत है। इस सोने की सड़क पर सीधे चले जाओ, कुछ ही देर में तुम महल तक पहुँच जाओगे। कुछ ही देर में बसंत एक आलीशान महल के सामने पहुंच गया। तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। बसंत ने देखा तो सामने वही बूढ़ा खड़ा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। कौन हो तुम और ये कौन सी जगह है? अचानक वह बूढ़ा एक बेहद सुंदर राजकुमार में तब्दील हो गया। ये सारा का सारा राज्य मेरा है। तुम पृथ्वी पर नहीं बल्कि दूसरी एक जादुई दुनिया में हो। दूसरी दुनिया में? मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल नदियापुर गांव की नदी के बीच एक दूसरी जादुई दुनिया का द्वार खुलता है। ये एक जादू की दुनिया है। तुम्हारा महल तो बिल्कुल सोने का मालूम होता है। यहाँ के दरवाजे, यहाँ तक कि सैनिक भी सोने के ही मालूम होते हैं। सोने के मालूम नहीं होते, ये सोने के ही हैं। मैं तुम्हें बहुत दिनों से नाव में बैठा हुआ उदास देख रहा था। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छे स्वभाव के हो और तुम्हारी दुनिया में अच्छे व्यक्तियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता, जबकि हमारी दुनिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसलिए मुझे लगा तुम्हारी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर वो राजकुमार बसंत को महल के अंदर की ओर ले गया, जहां पर सोने के सिक्कों के ढेर लगे हुए थे। ये सारे सोने के सिक्के तुम्हारे हैं। तुम्हारी जितनी मर्जी हो यहाँ से ले जा सकते हो और तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकते हो। मगर याद रखना, तुम्हें इस बात को हमेशा रहस्य ही रखना होगा। यहाँ तक कि तुम्हें अपनी पत्नी और माँ को भी इस बारे में कभी नहीं बताना। जिस दिन तुम इस राज को छुपाने में नाकामयाब हो जाओगे, तुम्हारे लिए इस दुनिया के द्वार बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ का नियम है। बसंत ने एक थैले में सैकड़ों सिक्के भर लिए। वो राजकुमार उसे उसी जादुई पेड़ के पास मौजूद उस छोटे से तालाब पर ले आया। तुम इस तालाब में कूद जाओ, तुम अपनी नाव में दोबारा वापस पहुंच जाओगे। बसंत जैसे ही उस तालाब के अंदर कूदा, उसने दोबारा खुद को नदी के बीच में पाया। बसंत उसी दिन वो सारा सोना शहर में बेच आया और उसने गांव में सबके कर्जे चुका दिए। देखते ही देखते बसंत नदियापुर का सबसे बड़ा सेठ बन गया। एक दिन बसंत की पत्नी ने बसंत से कहा, तुमने आज तक नहीं बताया जी, क्या आखिरकार तुम इतने ढेर सारे पैसे लेकर कहाँ से आए और तुम कुछ दिनों के लिए अचानक कहाँ लापता हो जाते हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है झुमकी कि मैं इस बारे में नहीं बता सकता। इतना तो मैं जानती हूँ कि तुम कोई गलत काम नहीं कर सकते। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो शायद इसमें ही हम सबकी भलाई होगी। बसंत की अमीरी देखकर धनी राम अंदर ही अंदर जलने लगा। एक दिन उसने अपने खास आदमी भीमा से कहा, मेरी समझ में नहीं आता भीमा कि ये बसंत रातों रात अमीर कैसे बन गया। मैं सोच रहा था कि इसके मकान और उसके नाव पर कब्जा कर लूंगा, लेकिन इसने तो मेरे सारे पैसे लौटा दिए। सिर्फ आपके ही नहीं सेठ, उसने सारे गांव वालों के पैसे लौटा दिए। आज गांव में सबसे आलीशान हवेली उसकी बनी हुई है, और तो और नदियापुर में सारी नाव का मालिक बसंत ही है। हाँ मुझे पता है, और वो टूरिस्ट से बहुत कम पैसे लेता है, और गांव के लोगों को तो वो मुफ्त में ही नाव में बैठाने का काम करता है। मेरा धंधा भी चौपट हो गया। दौल में जरूर कुछ ना कुछ काला है। जाओ जाकर पता करो कि आखिर माजरा क्या है। जाओ। मैंने पता कर लिया है। क्या मतलब? कुछ दिनों पहले मैं उसका चुपके से पीछा कर रहा था, अचानक मैंने देखा कि वो बीच नदी में कूद गया और कुछ ही घंटों के बाद वो वापस आ गया। उसके हाथ में एक थैला था जो सोने से चमक रहा था। बेवकूफ आदमी, ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इसका मतलब कि नदी के बीचों बीच जरूर कोई सोने की सुरंग है जो उसके हाथ लग गई है। मुझे अभी ले चलो वहां पर। कुछ ही देर में सिर्फ धनी राम और भीमा नदी के बीच पहुंच गए। क्या तुम्हें यकीन है भीमा की बसंत यहीं कूदा था? जी, मैंने उसे ठीक इसी जगह छलांग लगाते हुए देखा था। तो फिर देर किस बात की है भीमा? चलो अब हम दोनों साथ साथ कूदकर उस सोने की सुरंग में पहुंच जाते हैं और सारा का सारा सोना आज ही निकाल लेते हैं। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली।
इतना कहकर वह दोनों नदी में कूद गए। अचानक बहुत तेज एक पानी की लहर आई। भीमा और धनीराम डूब कर मर गए। बसंत ने आज तक उस रहस्यमयी कहानी के बारे में किसी को नहीं बताया था।